हेलो एवरीवन, निधि के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार होने वाला बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। अगर आपकी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द दाल ली थी, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। तो दाल बहुत ही अच्छी तरह से भीग गई है, तो इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने चना दाल भी भिगोया था, ये भी अच्छी तरह से फूल गई है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे टेस्टी बनाने के लिए मैंने अदरक डाल दिया है, ग्रीन चिली डाल दी है। इन दोनों को अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। आप अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इन्हें हम पीस लेते हैं। तो देखिए, हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरह से पीस गई है, तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दाल को हम ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से फेंटने से ये फ्लफ़ी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। 1 से 1.5 मिनट हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गई है हमारी दाल। तो हम इसमें जीरा डाल देते हैं 1/2 टीस्पून, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार स्पाइसेस इसमें और भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो मसाले मिक्स हो गए हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। टेस्टी से नाश्ते बनाने के लिए हमने अप्पे पैन लिया है। 1/2 टीस्पून के लगभग हम इसमें ऑयल छिड़क ले रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल भी चिपके ना। और आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी कम तेल में बनकर तैयार हो जाएगा हमारा नाश्ता। तो हमने ऑयल अच्छी तरह से लगा दिया है, गैस गर्म करने के लिए रख दिया हमने इसे। अब 1 टेबल स्पून से हम इसे थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी सांचों में अच्छी तरह से भर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी हमारे कम तेल में बने हुए दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। तो हमने सारे में डाल लिया है देखिए, और इसी तरह से हम सब भर लेंगे। अच्छी तरह से सब भर चुका है ये। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल छिड़क लेते हैं और इसको कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ऊपर से बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है, ड्राई हो गया है। तो इसे पलट कर देख लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सेक गए हैं। एक तरफ से बिना तेल के भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए, 1 टेबल स्पून ऑयल में बहुत ही अच्छा हमारे अप्पे बनकर तैयार है। तो इसे 1 मिनट के लिए और हम अच्छी तरह से दूसरे साइड से भी हम पकने देंगे। तो हल्का सा ऑयल हमने फिर से लगा दिया है और केवल 1 मिनट के लिए ही इसे अब हम कवर कर देते हैं। 1 मिनट के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, आप इसे इस तरह से भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने एकदम गर्म पानी लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हींग, नमक डाल देंगे, और जो हमने अभी हमारे भल्ले बनाए हैं छोटे साइज के अप्पे पैन में, उन्हें इसमें डाल देंगे। आप इनसे भल्ले भी बना सकते हैं या फिर अब इस तरह से ड्राई भी खा सकते हैं चटनी के साथ में, ये दोनों तरह से काम आएंगे। तो बस इसमें डाल देते हैं 1 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं, ये देखिए। अब इसे निकाल लेते हैं, हल्के हाथों से अपने निचोड़ लेते हैं, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से इसे निचोड़ लेंगे हम और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी मैंने निकाल लिए हैं। अब इसे हम बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें ले रहे हैं मीठा दही। यहाँ पर मैंने दही में चीनी डाल ली है और इसमें हम इस तरह से पोर कर देते हैं। ये देखिए, दही डाल दिया हमने। अब हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देते हैं। खट्टी मीठी चटनी और धनिया की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम इसमें धनिया की चटनी भी डाल देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे। अब थोड़ा सा दही और डाल देते हैं हम एक बार,
और इसी तरह से हम चटनियाँ भी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बहुत ही कम तेल में बना हुआ ये चटपटा सा दही भल्ला हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर से हम सेव डाल देते हैं, अनार के दाने डाल देते हैं, तो बहुत ही कम तेल में बना हुआ हमारा चटपटा सा टेस्टी दही भल्ला बनकर तैयार हो गया है। तो केवल 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार है हमारा बहुत ही चटपटा टेस्टी नाश्ता बिना ऑयल के। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे चैनल में आसान और टेस्टी रेसिपी आपको देखने मिलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।